छत्तीसगढ़ में कंपनियों की वजह से औद्योगिक आतंकवाद फैलता जा रहा है। जिला रायगढ़ के भुईकुर्री पंचायत के आश्रित ग्राम बरपाली में जलाशयों, खाली पड़ी जमीनों एवं कृषि योग्य जमीनों में लगातार डस्ट पाटा जा रहा है, जिससे भुईकुर्री पंचायत के सुंदरलाल एवं अन्य लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉन ज़्यादा है तो डस्ट का तो समस्या सांस रोक से फिर खेती बाड़ी में असुविधा हो रही है, गाय बैल चरने में भी असुविधा है, जहाँ तहाँ डस्ट चर नहीं पा रहे हैं गाय बैल भी। खेती में डोरी मऊहा ये सब पत्ता उत्ता सब खराब कर देता है, पानी दूषित हो रहा है, जहाँ जहाँ डस्ट पड़ रहा है वहाँ कहीं कहीं आग भी लग जाता है तो गरवा गाय जल जाते हैं उसमें। नौ दुर्गा के नीचे खाले में तो मोर जमीन भी आए, वहाँ पूरा डस्ट पाट दे थे, अब फसली भी लगा थी पूरा काला हो जाते, फसल भी ठीक नहीं आते, पाट दे थे, पानी भी वहाँ गिरा दे थे, मोर टिकरा में जमीन भी दे रहे हैं, तालाब और रोला भी पटवा दी से दस्टा में, बहुत समस्या है। हमार समस्या लखा बताई एक तो चार समस्या है, हर एक चीज़ में नुकसान जाते ना। आपने मुझे जानकारी दी है कि नवदुर्गा इंडस्ट्री के द्वारा वहाँ तालाबों में डस्ट डाली गई है और बरसात में वो बह के इधर उधर आसपास के क्षेत्र में गई है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को दिखवाता हूँ, जांच करेंगे और जो भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई। ठीक, कब तक होने का? अब इसमें समय लगेगा। ठीक है, वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से निवेदन है कि वर्तमान कलेक्टर श्री मुकेश बंसल को 9425274165 पर तथा जिला पर्यावरण अधिकारी को 9685095442 पर कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि परकुलेशन टैंक साफ हो और एक तालाब का निर्माण हो सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।